पिछले दिन हमने देखा था कि कैसे दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी स्कैम में फंसी बीआरएस लीडर की कविता को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने बेल देने से साफ मना कर दिया था। आपको याद दिला दें कि वे ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा इस केस में अक्यूज डिक्लेयर की जा चुकी है और इस मामले में जेल से बाहर निकलने में अब तक असक्षम रही है। अब जब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की बात हो रही है और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम ना उठे, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां पहले उनके पीछे हाथ धोकर ईडी पड़ी थी इस मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में, वहीं पिछले एक हफ्ते से सीबीआई भी काफी एक्टिव है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में से ही वापस से अरेस्ट करना सही समझा। इस इवेंट ने देश में खूब हो हल्ला कर दिया था कि भला एक सिटिंग सीएम जेल में से ही वापस से कैसे अरेस्ट हो सकता है, पर कुछ वैसा ही सीबीआई ने किया था। अब जो ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली सीएम की कस्टडी 12 जुलाई तक बढ़ा दी है, तो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने के अलावा दिल्ली सीएम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के सामने मौजूद होते हुए दिल्ली सीएम की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, हम आगे देखेंगे। हालांकि आपको बता दें कि सिटिंग सीएम के ऐसे अरेस्ट होने पर अपोजिशन ब्लॉक इंडिया ने सख्त कदम उठाया है और बीते दिन के पार्लियामेंट सेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि वे यूनियन द्वारा ईडी और सीबीआई को ऐसे कंट्रोल करने से काफी परेशान है एंड हैज स्टेटेड। सो व्हेन हेमंत सोरेन जी इज इन जेल और केजरीवाल इज इन जेल, इट शुड डिस्टर्ब मी, इट शुड हर्ट मी। व्हेन यू अनलीश योर एजेंसीज ऑन दीज पॉलिटिकल पीपल, इट इज आवर जॉब टू डिफेंड देम। जहां ये सब हो रहा था, वही आपको याद दिला दे कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई द्वारा अपनी अरेस्ट को चैलेंज किया है। साथ ही उन्होंने ट्रायल कोर्ट जज अमिताभ रावत के इस ऑर्डर को भी चैलेंज किया है, जिसके थ्रू उन्होंने सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की कस्टडी सौंपी थी और कहा था कि सीबीआई द्वारा अरेस्ट इलीगल नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हैज ऑल्सो सॉट हिज इमीडिएट रिलीज इन द करप्शन केस। तो जैसे ही हियरिंग शुरू हुई और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मैटर टेकअप किया, वहीं केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई को फटकारना शुरू किया और स्टेट किया कि दिस कम्स फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी फॉर अरेस्ट, नो क्वेश्चन ऑफ सीबीआई अरेस्टिंग मी इन जून बिकॉज सीबीआई एफआईआर इज ऑफ अगस्त 2022, ही इज देन समन्ड इन अप्रैल 2023 एंड क्वेश्चन्ड फॉर 9 आवर्स, फ्रॉम दैट टिल नाउ नथिंग इज डन। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इस बात पर भी काफी जोर दिया कि अरविंद केजरीवाल जो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में जेल में थे, उन्हें सीबीआई द्वारा अरेस्ट करने की कोई नीड नहीं थी और न ही कोई अर्जेंसी थी एंड हैड स्टेटेड On a 2022 FIR on a questioning in 2023 April, he is arrested now. There cannot be urgency or necessity of arrest. The arrest must not only involve, but the arrest memo must reflect some reason, some basis. और इसी बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा भी कि CBI द्वारा दिया गया अरेस्ट मेमो काफी शॉकिंग है, क्योंकि वो सिर्फ एक पैराग्राफ का है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीनियर एडवोकेट सिंघवी स्टेटेड, द अरेस्ट मेमो इज क्वाइट रिमार्केबल, टोटैलिटी ऑफ वन पैराग्राफ, ही इज अंडर अरेस्ट इन जुडिशियल कस्टडी, देयर कैन नॉट बी एनी रीजन फॉर अरेस्ट। इस मामले में सीबीआई की ओर से काउंसिल डीपी सिंह वर्चुअली मौजूद थे और जब जस्टिस नीना ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी के पॉइंट सुने, तो उन्होंने उनसे सवाल करते हुए पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल की ओर से एक बेल प्ली भी फाइल की गई है या नहीं। इसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी स्टेटेड, वी कैन फाइल, वी आर इंटाइटल्ड, वी विल फाइल, बट एज ऑफ नाउ वी हैवंट फाइल्ड इट। और एक बार वापस से सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाया कि कैसे सीबीआई द्वारा इस मामले में अरेस्ट इलीगल है एंड स्टेटेड, Despite the offense being punishable of 7 years, the requirement of section 41A and 60A CRPC notice was not adhered to by the investigating officer and thus his arrest is without the compliance of the requirement as mandated under law. ये सब सुनकर जस्टिस नीना बंसल ने इस मामले में एक नोटिस इशू किया है और जिसके साथ सीबीआई को एक रिप्लाई विदिन 7 डेज फाइल करना है, रिजॉइंडर इफ एनी विदिन 2 डेज देयर आफ्टर। और अंत में जस्टिस नीना ने इस केस को जुलाई 17 के लिए लिस्ट कर दिया है। अब इस मामले की नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग में ही पता चलेगा कि सीबीआई अपने रिप्लाई में क्या फाइल करेगी। पर वहीं आपको बता दे कि लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर बहुत ही हंगामा मचा है कि भला कैसे एक सीएम एक जेल से दूसरे जेल जाते दिख रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिक अर्जुन खड़गे ने क्या कहा है, एक नजर डालते हैं। सर, इंडिया गठबंधन को 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डाला। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दी और कहा कि प्राइमा फेशिया सबूतों को देखते हुए हेमंत सोरेन की कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है, और ये उनको था। और अगर कोई छुटके आता है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर छुटके आए,
फिर उसको दूसरे केस में फंसाए, क्योंकि कोई अगर आपके बात को नहीं मानता और कोई तरीके हैं कि आपको उनको एक्शन लेने के तरीके आपके पास बहुत रहते हैं, सताने के लिए या आउट ऑफ जलस, अरे ये पार्टी आगे आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, हम तो कमजोर हो रहे दिन पे दिन, डालो इसको अंदर, हेमंत को डालो फलानी को, ये काम जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, आप जनता कभी इसको माफ नहीं करेगी। और आम आदमी पार्टी और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने क्या कहा है, जो खुद ही एक समय में जेल में थे, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अमृतकाल की चर्चा हुई मान्यवर, विपक्ष के नेताओं को पूरे देश में सरकार के द्वारा टारगेट किया गया, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं का सवाल नहीं मान्यवर, बंगाल के 3 मंत्री भी जेल में है, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत मिली है कोर्ट से, ईडी का सीबीआई का जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया, और बिहार में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, अब क्या करना चाहते हैं। मैंने अटल जी के भाषण सुना मानवर, उन्होंने कहा दुर्भावना से राजनीति नहीं होती, बड़े दिल से राजनीति होती, बड़े मन से राजनीति होती, बड़े मन की राजनीति करना सीखिए। ऐसे विपक्ष के लोगों को टारगेट करना ठीक नहीं है, ये अच्छी राजनीति नहीं है आपकी। आपने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, उस आदमी का 36 किलो वजन कम हो गया जेल में माने, 36 किलो। प्रतिपक्ष को खत्म करके, विपक्ष को खत्म करके, नेताओं को जेल में डालकर आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप जेल की राजनीति कर रहे हैं, इस चुनाव ने आपको एक परिणाम दिया है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। इसमें स्पष्ट बहुमत का भी जिक्र है मान्यवर, 400 पार आपने नारा दिया, 400 पार 400 पार 400 पार, नॉट अ गुड हैबिट, 400 पार का नारा आपने दिया, आपकी 240 सीट आई, स्पष्ट बहुमत कहाँ है? आपके दावे से 160 सीट कम आई मान्यवर, और 303 सीट पिछली बार थी। आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, अपनी कमियों की समीक्षा करनी होगी। और आपकी कमियां क्या है? आपकी कमियां आपका अहंकार है। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता मान्यवर। रावण भी अहंकार में था, उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, लेकिन भालुओं की बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया, रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया, उस अहंकार का भी नाश हो। और आप पता नहीं क्यों रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे, आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं, और पता नहीं कौन आपको सलाह देता है, किस गलत फहमी में आप लोग रहते हैं। जब जो पार्टी सत्ता में रहेगी, अगर विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, उस पार्टी का सत्यानाश होगा, अपने नेताओं को बता देना। रावण का अहंकार नहीं चला मान्यवर, तो किसी और का अहंकार क्या चलेगा। और वही अब देखते हैं कि इतनी उंगलियां खुद पर उठने के बाद यूनियन गवर्नमेंट और पीएम नरेंद्र मोदी कोई पलट जवाब देते हैं या नहीं। टिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।